खड़ी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है, हाफ क्लच यूज करना। चल चल जा 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 जा, फाइनली जी यहाँ पे वी लॉग एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वी लॉग पे मैं आपको बताऊंगा कि जी हमारे साथ क्या हुआ। उसमें ना जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था कि तीन जगह हैं, पतलियां लेक, बबून एंड थर्ड वन इज़ रत्ती गली। तो रत्ती गली कह रहे हैं जी बंद है, कोई कह रहा है जी दो महीने के बाद खुलेगी, कोई कह रहा है जी अगले साल खुलेगी, कोई कह रहा है कि जी दो दिन के बाद खुल जाएगी। ठीक है, तो आप बबून चले जाएं या पतलियां लेक चले जाएं, तो हमारे पास तीन ऑप्शन हैं। हम आए रत्ती गली के लिए थे, तो इंशाल्लाह मैं आपको ना नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा कि क्या हम रत्ती गली जा सके या नहीं जा सके उस सैलाब ने जो तबाही मचाई थी उसकी वजह से। तो देखते रहिएगा कलीम नियाज़ी व्लॉग्स, और अपना ख्याल रखिएगा, कलीम ख़ान को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वो ब्लॉग किया हुआ है और यहाँ पे गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, फैमिलीज़ भी जो हैं वो भी गाड़ियों में वेट कर रही हैं। अब लेट्स सी ये किस वजह से ये सिलसिला हुआ हुआ है, कोई मालूम नहीं है। अभी मालूम करते हैं कि लैंड स्लाइडिंग का खर्चा है या ये यहाँ पे एक्सप्लोजन होने वाली है, और क्या रीज़न हो सकता है। वल्लाहु आलम व आलम रसूल। तो लेट्स वेट, देखते हैं कि क्या होता है। और मैं तो भूल ही गया कि मैं GoPro ऑन कर लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी ट्रैक पे आ गए हैं। थोड़ा सा एक्सक्वेशन का जो है ना वो काम जा रहा था, जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। तो आई एम दी सेकेंड वन जो निकला, मैंने तो भगा दिया मोटरसाइकिल। अब आकाश पीछे आ रहा है, अब आकाश का मैं वेट करूँगा। मगर ये था कि लाइन लगी हुई थी और रश, जिस तरह लोग भागे हैं ना तो अभी तो मैं राइड नो स्लो जा रहा हूँ। ये वाला जो बाइक वाला है ना, ये मुझसे आगे था। अस्सलाम वालेकुम। रत्ती गली का ट्रैक खुला हुआ है जी? रत्ती गली का ट्रैक खुला है? नहीं नहीं, रास्ता बंद है जी। अच्छा जी, रास्ता बंद है सर? नहीं, वो खुल गया है रास्ता। बंद था ना? हाँ बंद था। चेक कराते हैं ना, कह रहे बंद है, चेक कराते हैं। अल्लाह मालिक खैर करी। वी आर ऑन द ट्रैक ऑफ रत्ती गली एंड सी कि क्या होता है। भाई रत्ती गली वाला खुला हुआ है रास्ता जी? रत्ती गली का? हाँ भाई जान, रास्ता थोड़ा सा आगे से बंद है, बाकी आप अगर इधर से आगे हाइकिंग करके जाएं तो जा। अच्छा जा सकते हैं, गाड़ी मिल जाएगी। अच्छा चलें, ठीक ठीक, मेहरबानी। वो कहते हैं ना कि सेकंड ओपिनियन ले लेनी चाहिए, तो सेकंड ओपिनियन ले ली है। कह रहे हैं कि थोड़ा सा रास्ता है ख़राब, तो थोड़ा सा हाइक करके जाएं, मगर हमने हाइकिंग करनी नहीं है क्योंकि रात 3 बजे के निकले थे और अभी 3 ही हो रहे हैं, तो 12 घंटा हो गए हैं। तो अल्लाह पाक खैर करेंगे इंशाल्लाह। लेट्स सी क्या होता है। बहुत खूबसूरत गांव है द्वारियाँ,
बहुत खूबसूरत घर बने हुए, रंग बिरंगे घर हैं यहाँ पर। गाइस स्टार्ट हो चुकी है ऑफ रोडिंग, ट्रैक गीला है, अच्छी वाली चढ़ाई थी, खैर कर ली आसानी के साथ। ओ यार खंबा बहुत गलत पोजीशन में है, ये कभी भी गिर सकता है। ओह सीधी चढ़ाई, दैट इज रत्ती गली ट्रैक। मज़ा आ रहा है ऑफ रोडिंग करते हुए, खूबसूरत दरख्त लगे हुए हैं और पहाड़ की चट्टानों में लगे हुए हैं यार, इतने बड़े बड़े दरख्त। ये यहाँ से मेरे ख्याल से कट वगैरह लगे है, असल में जितने भी बंदों से बात हुई है उन सब ने कहा है कि रास्ता बंद है। बहरहाल हमारा अपना दिल था रत्ती गली जाने को, अब अल्लाह को जो मंजूर है ना वो सबसे बेहतर है, तो हम जाके ना एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। टिपिकल कश्मीरी हाउसेस यहाँ पे हैं और मज़े की बात है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी है। और यार ये देखें ना, ये पत्थर कहीं से तो आए हैं ना, ये किसी सैलाब की सूरत में यहाँ पहुँचे हैं, तो ये आए तो हैं ना, देखें वो लकड़ी कितनी बड़ी है। तो मतलब सैलाब जो था वो बड़ा शदीद था अगस्त 2022 का। अब कह रहे हैं रास्ता नहीं है, क्योंकि जो बाइक वाला गुजरा ना उसने भी कंफर्म किया कि रास्ता नहीं है, तो फिर भी एक दफ़ा देखने में क्या हर्ज है। ओए 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 ओए, इतना बड़ा पत्थर कहाँ से आ गया भाई, ये किस पहाड़ से थी? अल्लाह, दिस इज डिफिकल्ट वे। आगे खड़ी चढ़ाई है, सैलाब जो है ना इस पूरे घर का उसने सत्यानाश कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, आकाश निकल आया। सो हमें अभी आगे जो खड़ी चढ़ाई है ना, ओए होए होए होए, यहाँ से आराम से गुजरना पड़ेगा क्योंकि रिथम तो बना नहीं है ना। चढ़ चढ़ चढ़, चले। इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि रिथम था नहीं बाइक का एक्चुअली में, नाले की वजह से। तो एक
खड़ी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है, हाफ क्लच यूज करना। चल चल जा 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 फाइनली जी सो सांस चढ़ गया। ट्रैक ने कहा कहाँ आए हो, हमने कहा रती गली झील, उसने कहा अच्छा, हमने कहा हमें मालूम नहीं। आप समझे कि हम नाले से ही गुजरे और पानी देखें कितने प्रेशर वाला है, इसका क्या करें। उन्होंने कहा कि आप गुजर के जा सकते हैं। ये चले जाए ना तो फिर हाँ नहीं नहीं वो कह रहे आ जाओ मैं निकल रहा हूँ, उसने इशारा किया, वो जाएगा यार मोटरसाइकिल जाएगा, देख ले इस रास्ते से भी जाएगा, ठीक है परेशान नहीं होना। डेट बात है ट्रिकी वन, यहाँ बाइक खड़ा करते हैं। आकाश को हेल्प ज़रूरत होगी। अब इस रास्ते से आप क्या लेकर आएंगे, जीप लेके आ सकते हैं, डेट्स नॉट पॉसिबल। काश मुझे दे दे बाइक, चलो हैंडल सीधा कर, चल एक मिनट। चल एक मिनट। इस टायर को लेफ्ट रख, टायर को यूं कर, उस साइड हाँ चल। चल
ले जा। अल्लाह अकबर। एक्सक्वेटर ने आगे काम लगाया हुआ है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है कि निकल जाएंगे। ये कैसे जी इन्होंने लकड़ियों का ब्रिज बनाया है, माशाल्लाह। ओए हो, दैट वॉज अ डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द जर्नी। एक्सक्वेटर वाले भाई क्या कहते हैं, इसको रास्ता देते हैं। जाएगा वो कह रहे हैं, नहीं जाएगा। भाई मोटरसाइकिल गुजर जाएगा, मोटरसाइकिल गुजर जाएगा, रास्ता बंद है। बिल्कुल है ही नहीं, रास्ता है ही नहीं। ओहो अच्छा, बिल्कुल नाला है। अच्छा ओके, यहाँ पे बाइक खड़े करते हैं और पोजीशन चेक करके आते हैं। वो कह रहे हैं जी आगे रास्ता है ही नहीं, जो रास्ता था वो नाला बन चुका है। तो फेल अटेम्प्ट है, क्योंकि रास्ता ना होने की वजह से अमृती गली इन सितंबर 2022 हम नहीं जा पा रहे। ब्लास्टिंग होने वाली है, आगे नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, किधर जा रहे हैं? सर रति गली जा रहे थे। कितने लोग हैं? हम दो बंदे। ओहो दो। अस्सलाम वालेकुम। नहीं ऐसी है, आप गाड़ी है आगे, पर मतलब ये दो कुछ लेके किधर जाएगा, रास्ता तो नहीं है अभी। दो अच्छा मजीद नहीं है, थोड़ा सा आगे रह गया ये वाला जगह। हाँ हाँ आगे ठीक है। अच्छा ये नाला बन चुकी है क्या जगजी, क्या मसला? अच्छा अच्छा क्लाउड वर्स। सो देख लो अपनी आंखों से।
चलें। लगे थे हुए मैंने तो कह रहे हैं सारे। हाँ अगर आप गाड़ी पे जाना चाहते हो तो आप वहाँ जाए 10 मिनट के रास्ता आगे सामने गाड़ी खड़ी सर के पास उससे आगे ठीक है आगे ठीक है आगे तो जाते हैं। तो वहाँ बाइकें भी आपकी चढ़ा ले रहे अगर बड़ी बाइक ही छोटी है बड़ी बड़ी रोटी है आओ देख लें एक दफ़ा अपनी नाखों से तो देख लें। सो गाइस ये सारी लेबर है जो एक्सकवेशन और ब्लास्टिंग का काम कर रही है यहाँ पे। तो दूसरी साइड जो है ना वो जीप अवेलेबल है यहाँ से तो नहीं जा सकते। Not possible. असल में ये सारा एरिया जो है ना यहाँ से भी बाइक गुजर जाएगा मगर वो जो पत्थर आए हैं ना वो बंदा यहाँ से निकल भाई बाइक उठाना पड़ेगा 150-160 kg का और कोई कुछ नहीं हो सकता। एक जो पैच है ना वहाँ से आप बाइक लेके जा सकते हैं मतलब इतना मुश्किल होगी मगर आप कर सकते हैं मगर उसके बाद जो है ना 10-15 फुट के जो पत्थर हैं उधर से कैसे बाइक आप उठा के लेके जा सकते हैं जो इम्पॉसिबल है। 150-160 kg का बाइक है तो मिशन इम्पॉसिबल था नहीं हुआ हमसे। इंशाल्लाह दोबारा आएंगे रती गली झील को दोबारा पुकार के कह रहे हैं इंशाल्लाह दोबारा आएंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा कलीम खान को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।